मैनपुर में पुल निर्माण की मांग को लेकर 3 घंटे के बाद ग्रामीणों ने खोला चक्का जाम। सैकड़ों पुलिस के जवान सहित अधिकारी कर्मचारी चक्का जाम स्थल पर तैनात थे। देवभोग नेशनल हाईवे 130 सी मुख्य मार्ग में मैनपुर कला के पास सैकड़ों ग्रामीण द्वारा पुल निर्माण की मांग को लेकर सुबह 8:30 बजे से चक्का जाम पर बैठे हुए थे। वहीं ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा था। नेशनल हाईवे के ऊपर बैठकर सैकड़ों ग्रामीण जमकर नारेबाजी भी कर रहे थे। मैनपुर SDM डॉक्टर तुलसीदास मरकाम, SDOP बाजीलाल सिंह द्वारा लगातार ग्रामीणों को समझाइश दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपना चक्का जाम खोल दिया है। आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहा है हम लोगों को, और कुछ नहीं। क्या किए आज आप लोग? आज भी वही आश्वासन मिला है। एक पिछले मतलब समय में मुख्यमंत्री जी ने मतलब पर्यावरण में भूपेश बघेल जी ने घोषणा किए थे, 6वां नंबर में हमारा मतलब एक पुलिया का निर्माण था, जो मतलब सैकड़ों घोषणा किए थे उसमें 6वां नंबर में था। बाकी जगह तो काम हो चुका है मगर यहाँ का रुक गया। उसके पूर्व अमली पदर में भाजपा के शासन काल में रमन सिंह जी ने मैं वहाँ भी मतलब घोषणा किए इसके संबंध में। मतलब आप किसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं बताइए आप। नाला में पुलिया निर्माण के लिए पब्लिकों का मांग था, वो पहले मांग राशि स्वीकृत हो गया है, टेंडर स्तर पे प्रोसेस है, उसी को लेकर इन लोग चक्का जाम किए थे। उन्हें लिखित आश्वासन के बाद इन लोग चक्का जाम समाप्त किया। लंबित मांग जो वर्षों से अधूरा हमारा पुल निर्माण, जिसे शासन प्रशासन हमेशा धोखे में रखकर हमको सिर्फ अंधेरे में रखा, लगातार पद यात्रा हो चाहे घेराव हो, SDM ऑफिस जो भी ऑफिस हो, करते करते लगातार थक चुके थे। इससे पहले भी चक्का जाम किए थे लेकिन परिणाम स्वरूप उसके स्वीकृति बस हुई थी, राशि जारी नहीं किए थे। अभी हम SDM साहब और जो लोक निर्माण विभाग के जो मुखिया हैं उन्होंने दस्तखत सील साइन सहित यहाँ पर दिया है पुल के लिए। तो पुल के साथ साथ के कई तो घोषणा जो मुख्यमंत्री जो है वो आज भूमि पूजा कई जगह बहुत भी है, और यहाँ के अभी तक कोई पता नहीं चला थी। जगह से ग्रामीण जला फिर बारिश के चिंता था गीत और ओला लेके वो मामला ला लेके आज सड़क में चक्का जाम करे पर बाध्य हैं। और अधिकारी कर्मचारी आके ये आश्वासन दे है कि 15 दिवस के अंदर कार्य प्रारंभ हो जाएगा करके।